हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद संदीप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक राइटिंग स्किल, जो कि यूनिट सेकंड है इंग्लिश की। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी और ठीक है फ्रेज क्लोज जैसे वो ही होगा। पहले मैंने फर्स्ट यूनिट करवा दिया जिसमें है सिनोनियम एंटोनियम, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स एंड वर्ड फॉर्मेशन एंड इसकी टाइप्स। ठीक है, ये आपने अगर नहीं की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, सो आइए आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कैसे करते हैं। फर्स्टली एक काम किसके आता है, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो आफ्टर बीटेक, तो आपने अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा, और आप इंजीनियर ट्रेनी हो तब भी आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। फर्स्टली टू राइट एनी डॉक्यूमेंट इफेक्टली, इट इज़ नीडेड टू नो हाउ टू राइट इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, हेयर आर सम ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं मेनली, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। फर्स्टली वर्क हार्ड ऑन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसी पर ही हमारा पूरा पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमने इंट्रो सही लिखी तो फिर ही हमारा जो रीडर है वो अच्छे से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रीड करेगा। अ गुड बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये गुड बिगिनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। सो अ गुड इमेजिनेटिव स्टार्ट कैन हेल्प अस टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर। अगर हम बिगिनिंग अच्छी करेंगे तो जो रीडर है उसकी अटेंशन हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पर पड़ेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स द ओपनिंग स्टेटमेंट, द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव है जो इंट्रो में आ जाता है। अ गुड इंट्रोडक्शन इज़ अ की टू लीड द रीडर इन टू द मेन बॉडी। ठीक है, अगर हमारी इंट्रो सही होगी तो फिर ही जो हमारा रीडर है वो हमारा डॉक्यूमेंट रीड करते करते मेन बॉडी पर तक पहुँचेगा। अगर हम अच्छे से इंट्रो नहीं देंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट पूरा रीड नहीं करेगा। सो फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑर्गेनाइज एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। सो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें उसमें इंट्रो है और उसी पर ही डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा होगा तो ही हमारा रीडर है वो आगे रीड करेगा। देन आती है मेक द मेन बॉडी लुक ऑथेंटिक एंड यूनिफाइड। ऑथेंटिक का क्या मीनिंग है, मेनली अगर हम कॉन्ट्रास्ट, एनालॉजी, कंपैरिजन ऐड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी मेन बॉडी है वो ऑथेंटिक है। एंड यूनिफाइड का क्या मतलब है कि एक ही आइडिया पर हमने वर्क करना है, हमने बहुत सारे आइडियाज़ नहीं लेने। वाइल राइटिंग अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स द मेन बॉडी इज़ एक्सपेक्टेड टू लुक ऑथेंटिक एंड यूनिफाइड। ठीक है, अगर हमने कपल ऑफ पैराग्राफ्स लिखने हैं तो हमारी मेन बॉडी है वो ऑथेंटिक एंड यूनिफाइड होनी चाहिए। द मेन बॉडी इंक्लूड्स डिफरेंट पैराग्राफ्स, ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ओन इंट्रोड्यूसर, अ कपल ऑफ डिवेलपर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, अगर हमने मेन बॉडी में देखें तो क्या क्या होता है कि इंट्रोड्यूसर होता है, इंट्रोड्यूसर मैस कैसे कि हमने कैसे हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया। ठीक है, वो स्टार्टिंग वाली को क्या लाइन को कहते हैं इंट्रोडक्शन, और अ कपल ऑफ डिवेलपर मीन हमने आगे कैसे कंटिन्यू किया उसी पैराग्राफ को। ठीक है, देन आती है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का क्या है कि हमने उस पैराग्राफ को एंड किया। देयर मस्ट बी यूनिटी एंड कोहरेंस इन द पैराग्राफ। ठीक है, यूनिटी और कोहरेंस मतलब कि हमारे जो आइडियाज है वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जिससे हमारे पैराग्राफ की कोहरेंस क्रिएट होती है। ठीक है, हम सिनोनियम वगैरह यूज़ करके, साइन और कनेक्टर्स वगैरह यूज़ करके हमारे पैराग्राफ को कोहरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रिएट द फेथ टू द थॉट, राइटर ऑफर यूज डिवाइसेस सच एज कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एनालॉजी, एग्जांपल। ठीक है, हम कंपैरिजन, कंट्रास्ट वगैरह यूज़ करके हमारे मेन बॉडी को ऑथेंटिक एंड यूनिफाइड बना सकते हैं। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, जो हमने लास्ट में लिखना है। ठीक है, जिसी को जो है कि हमारी समरी कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमारे पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, वी नो कंक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्स एट द एंड, बट इट्स वाइल राइटिंग वी नो कंक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्स एट द एंड, बट इट्स इम्पोर्टेंस कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। हमें पता है कि
जो कंक्लूजन है वो लास्ट में आता है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। व्हाइल राइटिंग कंक्लूजन कीप इन माइंडिंग माइंड दीज थिंग्स, ठीक है। अगर हमने कंक्लूजन लिखना है तो हमने ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। द कंक्लूजन शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव, शॉर्ट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। डू नॉट मेक कम्प्लेक्स पॉइंट्स इन कंक्लूजन, ठीक है। हमने कम्प्लेक्स पॉइंट नहीं देने, सिंपली बताना है कि हमने क्या लिखा है पैराग्राफ ने। न्यू आइडियाज शुड नॉट बी एडेड, ठीक है। न्यू आइडियाज हमने ऐड नहीं करने, हमने जो एक आइडिया लिया है उसी को ही अच्छे से वो करना है। मस्ट बी रिलेटेड टू डिस्कशन, हमने एक ही आइडिया लेकर उसी को ही आगे आगे करते जाना है। हमने न्यू आइडिया किसी भी सोर्स से नहीं लेनी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग।